नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। इवारा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर अपील की है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि विकलांगों को घर घर जाकर कोविड का टीका लगाए। इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ जारी दिशा निर्देशों में संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना जबरन टीकाकरण का कोई प्रावधान नहीं है। जारी महामारी के मद्देनजर कोविड 19 टीकाकरण आम जनहित में जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के दिए एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि टीकाकरण को लेकर जारी उसके दिशा निर्देश बिना किसी व्यक्ति की असहमति के उसे टीका लगाने को नहीं कहते। वहीं विकलांगों को टीकाकरण का सबूत दिखाने से छूट देने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, ऐसी कोई मानक प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट को दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं रविवार को भारत में टीकाकरण की शुरुआत का एक साल पूरा होने के मौके पर सरकार ने ये जानकारी दी कि 1.3 अरब की आबादी वाले देश में 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि शुरुआत में सरकार ने पूरी वयस्क आबादी को 2021 खत्म होने से पहले वैक्सीन की दोनों खुराक देने का लक्ष्य बनाया था, जिसे पूरा नहीं किया जा सका। इस पर विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि एक साल के दौरान कभी टीके की कमी रही, कभी एक दिन का इवेंट करने के चक्कर में टीकाकरण की रफ्तार घटाई गई, तो कभी तारीख दी जाती थी कि इस तारीख तक टीकाकरण पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरी आबादी का टीकाकरण अब तक नहीं हो पाया है। मोदी सरकार बस जुमलों की बरसात करती है, तारीख पर तारीख और इवेंटबाजी ही करती है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा, भाजपा के प्रचार और प्रोपेगेंडा की सच्चाई को देश अब समझ चुका है। भाजपा जनसंख्या अनुपात में टीकाकरण की संख्या बताने की बजाय आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही है।